आज तो गीता पूरा वजन कम कर देंगे, जितना है उतना। वाह भाई वाह, हो गई पतली, हाँ 2-3 किलो तो घट गया है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है, आगे आगे ऐसे करना होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। नाक्स तू हूँ करे भाई, फिर वे आई आई आगड़ आगड़ करवा, आगड़ जेम हालता हो एम हालवा हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज मुझे नक्श के स्कूल में जाना है। वहाँ सब लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो नक्श का भी होगा, तो हर पेरेंट्स को जाना है, तो मैं भी जाऊंगी अभी। और अभी कुछ काम नहीं किया है, सारा का सारा काम वैसे ही पड़ा है, क्योंकि अभी 8:15 निकलना है, तो फिर वापस आके मैं काम करूंगी। हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ नक्श के स्कूल चल के, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मैं चल के ही जा रही हूँ। फिर 1 घंटे का है प्रोग्राम, वापस आ जाऊँगी 9:30 तक। तो और यहाँ से शॉर्टकट लेती हूँ और सीधा चलती हूँ नक्श के स्कूल में। हेलो दोस्तों, तो सुबह आपने देखा होगा कि नक्श का स्कूल का फंक्शन था, तो मैं तो नहीं जा पाया था, क्योंकि मैं तो अभी काम पे गया था कंपनी में, तो गीता अकेले गई थी। तो हो गए 5 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। 58 महीने का पहला दिन है, तो हम लोग अभी महादेव के मंदिर भी जा रहे हैं और वहाँ पे पास में ही पशु रक्षा केंद्र है, वहाँ भी जा रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे बहुत ही बड़े सिंह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया था, वो नंदी का, तो गोपाल नंदी है उसका नाम था। वो तो अभी तो एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो इतना बड़े उसके सिंह थे, उसके कारण उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था उसका। तो चलते हैं आपको और वहाँ दिखाते हैं कि कैसा है वहाँ का। तो ये है आशापुरा माता जी का मंदिर है और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान के, महादेव के और माता जी के। माँ आशापुरा जी का मंदिर है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन भी है इसका, और साफ सुथरा भी बहुत है। Thank you.
तो ये है एंकर वाला अहिंसा धाम। यहाँ पे गायों की सेवा होती है, बीमार हो या जो भी है वो सब यहाँ पे उसकी सारवार होती है। और भाई हम लोग करोड़पति बन गए हैं, गीता को मिल गया है चेक अमिताभ बच्चन की तरफ से। तो हम लोग भाई 7 लाख रुपये जीत गए भाई यहाँ पे। चलिए भाई ले लीजिए चेक। और यहाँ पे है, आपको देखते हैं। हाजी 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 तू आ, मैं बोतल में पग मुकवा जाए तो पड़े जाए ने। अहिंसा धाम पशु केंद्र। और यहाँ पे गिनीस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, वो इतने बड़े सिंह है, नंदी थे। तो भाई देख सकते हैं कितने बड़े सिंह है। अभी गीता यहाँ पे खड़ी है पास में। इसमें केमिकल लगाते हैं, इसे स्टॉक करके इतने साल से रखा है। ये कितने, एक सिंह है? एक है, दो नहीं, ये एक सिंह कितना आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, देख लीजिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना बड़ा सिंह है। और ये जो गोपाल नंदी है आप देख सकते हैं फोटो में, ये उसका एक्चुअल फोटो है। ये भी आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा, इतने बड़े सिंह है, आप सोच सकते हैं कितने बड़े हैं। और इसका वजन था 765 kg। और जो सिंह की लेंथ है और 10 फीट के ऊपर है, ये दोनों अगर मिलाएंगे तो 10 फीट के ऊपर है। और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब दिखाया है। अंडे मुर्गा ये सब जो है, बकरी और यहाँ पे इतना सारा सब नॉलेज दिया हुआ है। और यहाँ पे ये देसी बड़द गाड़ी ये है। और ऊपर ये पंछियों के लिए घर है, यहाँ भी है और उधर पीछे भी है, दोनों साइड है। जैसे यहाँ पे है वैसा ही सेम टू सेम दूसरे जगह पर है। आज तो गीता मेरा हेलमेट लेके घूमेगी, मैंने बोला था कि मत पहनो क्योंकि उठाना मुझे ही है, क्योंकि मुझे आदत हो गई अब हेलमेट की। ससलू जी यहाँ पे भाई खरगोश भी है, कबूतर भी है, बीमार जो भी है वो आपको देखेंगे। दो खरगोश दिख रहे हैं आपको, ये क्या कुछ पंछी मर गया बेचारे, ये जिंदा है पता नहीं है आपको। मोर मोर है, ये ढेल है। वो यहाँ पे मोर बैठा है पीछे, ये सब बीमार है आप देख सकते हैं। एक कबूतर है, किसी का खरगोश है। यहाँ नक्स को जब छोटा था तब हम लेके आते थे, उसको भी अभी भी मजा आ रहा है बच्चे को। क्या है नक्स? रेबिट ने खड़ो करने को क्या? ओ बेचारा पेरोट, आपको देख सकते हैं ये ये बेचारा बीमार, ये सब बीमार पशु है यहाँ पे। उनके यहाँ पे अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, कोई कोई बचता है, ज्यादा बीमार होता है वो नहीं बच पाता। यहाँ पे आने हूँ कि एक इसको क्या बोलते हैं, मोटो बगलो मोटो बगलो तो नहीं पाने होगा, खबर नहीं थी आने की, किया था खरा इसको, पता नहीं नाम तो नहीं आता है इसका, क्या नाम है। ये गोपाल नंदी की प्रतिमा है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, सेम टू सेम यही साइज से वही फिगर से बनाया है उसको। बहुत बड़ा सिंह है, देखो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, कितने बड़े सिंह थे आप देख सकते हैं। ये रहा कछुआ, कछुआ भाई मुझे बहुत डर लगता है, गीता को बहुत डरती है गीता कछुए से। और यहाँ पे कछुआ भी है, एक तो भी इसको चोट लग गई है आप देख सकते हैं। कासबन छोड़
शायद कोई ट्रक के नीचे आ गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे खाना खा रहे हैं और ये बीमार मोर है, महंगी काकड़ी कछुए खा रहे हैं। देखो अभी नक्स दौड़ दौड़ के देख रहा है सब के कुछ है कि नहीं। यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे क्या है, ऊंट है, भैंस, यहाँ पे भी घोड़े है, हूँ से घोड़ा से क्या ऊंट आ हाँ मैं ऊंट यहाँ पे यहाँ पे सब बीमार गाय है। हाँ बगलो है तो बहुत सारे गाय है आप देख सकते हैं। और ये ICU वार्ड है, यहाँ पे ज़्यादा बीमार गाय हो उसको रखा हुआ है, देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ। कुकड़ो हाँ ये आप देख सकते हैं कितनी बीमार गाय हैं। कितनी बीमार है सब गाय, ऊपर पंखे भी चालू है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, दिल से सेवा करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितना साफ सुथरा है, आप कहीं पे भी गंदगी नहीं है। ससलू इच्छे थी से छोटा 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 खरगोश भी है जो खाना खा रहा है बीमार। ये मोर भी है यहाँ पे क्या मुझे, और झूले झूले पे जाना है। आई थी रास्तों आई थी, उसको झूले पे जाना है, बैठना है। अभी आपकी अदालत में गीता बैठ गई है, बहुत सारे आरोप है उसके ऊपर। रजत शर्मा ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं गीता पे, क्योंकि कल बहुत बीमार हो गई थी तो पूछ रहा है कि क्या खाया था क्या नहीं। बहुत सारे आरोप है कि अशोक से काम क्यों करवाया, कहीं नाटक तो नहीं कर रही थी। और गीता उसके सही जवाब देती है कि नहीं देखते हैं। नक्स ने भाई हूँ छे नक्स एक लो आम बे जना बेहवा हो दीका बेहे जाए ता मम्मी ने क्या भेगी नक्स मेला जैसा हो गया है, क्योंकि अभी जन्माष्टमी सातम आठम आएगा हम लोग का पोरबंदर का, तो मेला रहता है, लेकिन इसी से खुशी मना लेता है नक्स। क्या नक्स आना थी राजी थी जाना, जाम हो गया है थोड़ा थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा गीता को। चलो ऊंचो नहीं था, हेठो बैठ जा, पग खड़े रख, हम पग हम दे दे। ए देखो अशोक को आई मुके दे पग आए। हां शायद बचपन में कुछ कमी रह गई होगी तो अभी वो पूरा कर रहे हैं। नक्स ने आके दे लीजिए का नक्स अभी हम भी बच्चे बन गए। ओ डिंग 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 नक्स का घोड़ा भाई चल पड़ा है, आज नक्स को बहुत मजा आ गया है। आज कितने दिन के बाद पहुंचे, करवाना है कसरत करवाना। वाह नक्स को आज कितने दिन के बाद मजा आया है।
यहाँ पे पूरे बच्चों के लिए बहुत ही झूले है, स्लाइड है, बहुत कुछ है। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए है। ये बैठ के शायद गोल घूमना होता है, पेट के लिए है और ये चेस्ट के लिए है। ये शायद चेस्ट के लिए है। हाँ, हाँ एक्सरसाइज ऐसे, हाँ पेट के लिए है। हैं, अच्छा ये तो वो है। लेग के लिए है, इसे एक्सरसाइज करेंगे तो लेग का एक्सरसाइज हो जाएगा मैन्युअली। बहुत ही अच्छा है, रोज आया करो सुबह उठ के 4 बजे, उतना 4 बजे उठ के। यहाँ नक्स भी एक्सरसाइज कर रहा है, वाह भाई वाह। नक्स तो रनिंग कर रहा है क्या? नक्स गीता रनिंग कर दो। तुम्हारी मम्मी कैसा रनिंग करती है देखते हैं, कहीं लाइव ही ऐसा ना हो, एक रिकॉर्ड हो जाए। वाह भाई वाह वाह। नक्स तू हूँ करे भाई फिर वे आई आई આગળ, હા આગળ કરવાનું, આગળ જેમ હાલતા હોય ને એમ હાલવાનું હોય। બહુત હી મજા આતા હૈ યહાં પે, બહુત હી અચ્છા ટાઈમ પાસ હો જાતા હૈ બચ્ચો કે લિયે ઓર બડો કે લિયે ભી। યે હમારા ઘર સે લગભગ 8-9 કિલોમીટર દૂર હૈ, વરના હમ લોગ તો ડેઈલી આતે હૈ, મે ભી સુબહ આ જાતા। અબ ગીતા કો ભૂખ લગી હૈ, બોલ રહી ઇતની સારી એક્સરસાઇઝ કી તો ભૂખ લગેગી ના, એક તો ઉઠ કે આ ગયા મમ્મી બેટા કુછ ખાય। હા ઓર નક્સ, नॉक्स भी एक्सरसाइज बहुत कर रहा है तो अभी उसको भी भूख लग गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है क्योंकि अभी बाहर नहीं, कुछ है भी नहीं मुद्रा में ऐसा। और हेलमेट तो मेरा भाई कहीं ना कहीं गुम हो ही जाता है, गीता छोड़ के आ जाती है। तो शायद आज का व्लॉग शायद लंबा हो जाए, पता नहीं है, वैसे भी हम लोग का व्लॉग लंबा हो ही जाता है। હા ન્યાથી આવી ના પછી આવે ના સ્લાઇડ ખાવાની હોય। આજ નક્સ તો પૂરા ખુશ હો ગયા ભાઈ, કિતના દિન સે સ્લાઇડ નહીં ખાયા થા, ક્યોંકિ બારિશ ભી થી કહીં નિકલે ભી નહીં થે, તો આજ નક્સ તો પૂરા ખુશ હો ગયા હૈ। આજ ઉસી કે લિયે તો હમ લોગ આયે થે કે ભાઈ થોડા ઉસકો મજા આયે। કેમાં એમાં હિચકા છે, ઝૂલા છે, એ બધું છે, લખેલું છે, બહુ મોટા એ દોડવું નહીં, બેસવું નહીં। મજા આવે, મજા આવે ના, હા તું બધે મજા તો। આજ તો નક્સ કો મુફ્ત મેં બહુ સારા મજા હો ગયા હૈ, ક્યોંકિ કૂદને કો ભી મિલ ગયા હૈ યહાં પે। ઘર પે તો કૂદતા રહેતા હૈ તો મના કરતે હૈ, પહેલી બાર શાયદ કૂદ રહા હૈ યહાં પે। ઓર ઠેકડા મારા હેઠો બેહી જા, ઠેકડો મારે નીચે બેહી જાઓ ના, બસ વાત। હા તો ભાઈ આજ તો થોડા માઇન્ડ ફ્રેશ હો ગયા સબ કા, ક્યોંકિ મુંદરા મેં તો જહાં હમ રહેતે વહાં પે એસા અભી ઝૂલે ઓર સબ હૈ નહીં, હે તો મંદિર પે હૈ, તો ડેલી ડેલી ભી હમ જા નહીં સકતે, એસા કુછ હૈ નહીં, તો યહાં તો કાફી અચ્છા હૈ ઓર ઘર સે 8-9 કિલોમીટર દૂર હૈ, તો સોચા આજ થોડા ચક્કર લગા લેતે હૈ થોડા। દોસ્તો આપકો હમારા અગર વિડિયો અચ્છા લગા હો તો પ્લીઝ લાઇક શેર ઓર સબસ્ક્રાઇબ કીજિયેગા ઓર હમે સપોર્ટ કીજિયેગા। ઓર આજ કા વ્લોગ હમ લોગ અહીં સમાપ્ત કરતે હૈ, મિલતે હૈ જલ્દી આપકો એક નયે વ્લોગ મેં।